कल मेरा थोला रे थोला चख जो ना तक खोला चख जो ना तक यो यो ज्यादा छिन है बाप रे कति भयंकर छिन। अभी हम जा रहे हैं आज आदि को भेजने जा चार रोड के, देखो हमारे बुरे हाल और के हैं। काली मत की रोड कभी नहीं सुधर सकती। हमारा बच्चा भी देखो गई हो गई, इसकी जीप बाहर आ गई, देखो अच्छा गर्मी हो रही है ना। पहुंच गए हैं काली मठ सिद्धपीठ गेट पे और यहाँ से गुप्त काशी के लिए अभी पहुंच गए हैं गुप्त काशी बाजार में। बच्चे को हो गया है यहाँ पे गर्म और सामने वाले मॉल में जा रखे हैं सामान के लिए, शैम्पू वगैरह आदि अपने सामान के लिए जा रखा है। भजन भी शुरू हो रहे हैं साथ में, क्योंकि इस गाड़ी में ना डीजे नहीं है और डीजे नहीं है बोर हो रहे हैं, तो यहाँ साथ में भजन भी डीजे तो है पर ठीक नहीं है सारे बजाना। तो गुप्त काशी से आधा किलोमीटर पे एक टर्न है, तो ये सामने वाली रोड जाती है केदारनाथ के लिए और यहाँ से जो टर्न है ये जाती है जातार के लिए, जहाँ पे आदि आयुष की स्कूल है। यहाँ की सड़क ना बहुत सुंदर है। भी दो सड़क मिलेंगे, एक जाती है देवर गांव के लिए और एक सीधी सड़क जाती है जागधार के लिए। यहां से शुरू होता है रुद्रपुर गांव खूबसूरत व्यू के साथ। यहां भी चोपता जो तुंगना चोपता है वहां से भी यहां भी उतना ही खूबसूरत है। यहाँ बस आबादी ज़्यादा है, गांव ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। और ये आ गई है जैक्सन स्कूल की बस यहाँ पे। नमस्कार यहाँ के बच्चे जो गुप्त काशी जाते हैं स्कूल के लिए, तो सड़क अच्छी होने की वजह से यहाँ पे स्कूल बस भी रोजाना आती है। और यहाँ से आदि मंदिर जा रहा है जाग देवता के मंदिर में, पैर हाथ धो के भी जाता। और ये है भगवान जाग देवता का मंदिर, जहाँ पे आपने देखा होगा जाग अंगारों के ऊपर कूदता है, तो यही है मंदिर। अप्रैल में यहाँ पे मेला लगता है, बहुत भयंकर मेला लगता है, बहुत भीड़ रहती है। और ये जो बांज का पेड़ है यहाँ पे जाग देवता बैठते हैं और ऊपर, तो वापस में आपको दर्शन कराएंगे अगर टाइम होगा तो। बस स्कूल दिखने लग गई है। और यहाँ हम उतर गए हैं यहाँ पे, ये है स्कूल का गेट। यहाँ पे होते है एंट्री। और आदि को हमने अंदर स्कूल में भेज दिया है, अभी क्लास चल रही है, तो बड़े वाले की भी क्लास चल रही है। हम थोड़ा आगे जा रहे हैं जागधार से आगे, वहाँ पे मेरी चुटोजी हैं और मेरी नानी का घर गांव भी है वहाँ, तो
ओ देखते हैं मिलते कि नहीं मिलते वो। दीदी गई है नीचे परसु गाँव में, वहां उनकी दीदी है और गुड्डी रह गई पीछे अकेला। और यहाँ से ना त्योरी गांव दिखना शुरू हो गया है। और यहाँ भी सुंदर सुंदर रिसोर्ट हैं, यहाँ पे मामा जी का होटल भी है, रिसोर्ट भी है। तो बर्फ के मौसम में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे सुंदर बर्फ गिरती है। अभी हम पहुंच गए हैं त्योड़ी गांव में। चिठोआ भी खूब सिकासी जा रखे थे, हमको पहले फ़ोन नहीं किया और अब पहुंचे। तो यहाँ पे पहले आपने मेरे वीडियो में देखा होगा धारा चप्पल भी ना मैंने था, और अब ये धारा ना ऐसे चेंज हो गया है। ये देवता का पानी है, यहाँ पे देवता का पानी है, ये पानी में सो जाता है। रोड से थोड़ा सी दूर पे है जेठो जी का घर, और ऊपर तो हम नहीं जाते पर जेठो भी अभी आई है अभी गुप्त काशी से, तो उनकी भी तबीयत खराब हो रही होगी गाड़ी में, तो इसलिए हम थोड़ा घर ही पर तक जाते हैं। पहाड़ों के बच्चे देखो कितना मोटा सरिया ले जा रही है। और मेरे पीछे ना अखरोट के पेड़ पे अखरोट भी बहुत लगे हुए हैं। हाँ नानी अब नानी पौधा रुको माँ पता तो नहीं वे होगी माता ना, ये वो पाया गया सुहानी चार ये है नंदू, नंदू नंदी खड़ी हो जा, तू छोटी हो गई मैं लंबी हो गई, इतने बराबर हो जा। ए नंदी ए नंदी ए नंदी मम्मी मुरोणी की नहीं लो ये नहीं दियो अगले कख। और अभी हम जा रहे हैं वापस यहाँ से, थोड़ा सा आए थे यहाँ पे मिलने के लिए। ठीक छो तो ठीक छो। ये देखो भैंस है यहाँ पे, और यहाँ पे लगे हुए हैं कद्दू, खिर बोझ बोलते हैं इनको, तीन तो यहीं पे लगे हुए हैं और बाकी यहाँ छत पे भी लगे हैं। यू कि रे या कद बड़ी वेगी, हम तो अच्छा बनाए था जल्दी बूतना गोदड़ा है। हाँ यो यहाँ पे है ना मछली पालन शायद, वही तो कौन मछली ये बच्चे ने दुनिया भरे। वाह ये खुनियो पा जानवर अब दानी ताल से, और मछलियाँ ना हमें देख कर ना ऊपर ऊपर जा रही है, इतनी सारी भयंकर मछलियाँ हैं। सुंदर रोजगार कर रहे हैं, रोजगार के लिए लोगों ने यहाँ पे देखो बहुत सुंदर तरीका, और पानी की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी नहीं है।
यहाँ से जो ताज़ा पानी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं पर बहुत ज़्यादा है। लगता है राणा जी हमको छोड़ के चले गए और हम पैदल जा रहे हैं, गाड़ी तो है नहीं यहाँ पे। और सामने लगी है गाड़ी, बहुत दूर लेके आए। हेलो दोस्तों, जय माता दी, मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मेरे सामने आप पीछे देख रहे होंगे एक खूबसूरत सा नज़ारा, ये है त्यूड़ी गांव। गुप्तकाशी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है त्यूड़ी गांव, जो खूबसूरत देखो। और लोगों ने यहाँ पे रोज़गार के लिए अपने लिए क्या क्या साधन किए हैं, कोई घोड़े खच्चर ला रखे हैं, कोई किसी ने भैंस बकरी, बहुत सारे यहाँ पे अपना स्वरोजगार किया है। तो बहुत मुझे खुशी होती है इस चीज़ को देख के। दीदी मिल गई हैं, ये देखो अपनी दीदी का सारा माल लेके जा रही है। दीदी का सारा माल लेके जा रहे हैं। और सामने है नागराज का मंदिर यहाँ पे। प्रणाम सब दी राशन ये की दी ले ज्यादा लगी मतलब यार हम छी गुस्सा है हजड़ी आधे अगड़ा भाग। तो ये मेरे पीछे है नवोदय विद्यालय और यहाँ पे मेरे बच्चे रहते हैं दोनों स्कूल में। तो वो वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं, मैं उनकी वीडियो बना रही थी चोरी चोरी से। तो यहाँ पे पीछे स्कूल है। चल मुसाफिर चल ना ना थोला रे थोला वो गाना लगा रे चल मेरा थोला थोला। कैसे लगी आज की वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली। अरे ये दूसरा चक्कर जा रहे हैं यार। बाय बाय।